एवरीवन, वेलकम बैक टू तृप्ति ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज मैं आई हूँ गाइस, हमें एक रेस्क्यू के लिए कॉल आया था और एक गाय है जो बर्थ के बाद उसकी मम्मी जो है वो कहीं चली गई है और वो बच्चा जो है वो ऐसा पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और हम आए हैं इसको रेस्क्यू करने के लिए, देखते हैं इसको कहाँ भेजा जाएगा। और फिलहाल हम अभी इसको हम मिल्क खिलाते हैं, तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको अपडेट दूँगी इसका क्या करना है। सो गाइस, तृप्ति यहाँ पे मिल्क रेडी कर रही है, वो जो गाय है, गाय का बच्चा है उसको पिलाने के लिए। और वो बहुत ही पेन में है गाइस, क्योंकि उसका मैगट्स हो गया है और हमें आज ही पता चला, हमें रेस्क्यू के लिए कॉल आया था। तो हमारा जो एनजीओ है लवल सर्वल फाउंडेशन, हमारे टीम मेंबर्स प्रशांत दास, तृप्ति दास और हमारे कुछ मेंबर्स जो आ नहीं पाए, बट उन्हें भी वो लोग ने भी बहुत ही हेल्प किया हमें ओवर द फ़ोन। और स्पात मार्केट के शॉपकीपर्स जो हैं वो भी बहुत ही काइंड हार्टेड थे, उन्होंने भी बहुत ही मदद किया गाय को ट्रीटमेंट करवाने में। और स्पेशल थैंक्स टू दीप भाई और उनके टीम को, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प किया गाइस उसे ट्रीटमेंट देने में और रेस्क्यू करने में। तो बहुत बहुत थैंक्स उन्हें भी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट के थ्रू बताइए। और जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी न्यू वीडियोस हम लोग अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो गाइज, ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियोज़ हमारे चैनल में अपलोड होते रहेंगे, तो हमें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि हम ऐसे अच्छे काम कर पाएँ और दूसरों की मदद कर पाएँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा गाइज। सो गाइज, ये जो काफ था इसका बहुत सारा मैगट्स भी हो गया था, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग जान पा रहे होंगे कि कितना पेन में वो था। थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स, दोज हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प द स्पीचलेस सोल्स। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सबको जो कि आके हमें मदद किए हैं। और अभी हम लोग का ट्रीटमेंट चल ही रहा है, देखिए कितने बड़े बड़े मैगट्स हो गए हैं इसको। और आप लोग भी कोशिश करिए आपके आसपास के जो एनिमल्स हैं उन्हें हेल्प करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए, ताकि वो लोग भी उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उससे वो लोग बच पाएँ, क्योंकि वो लोग खुद का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं गाइस। हम ही एक इंसान हैं, उनके दर्द को समझ सकते हैं और उनके लिए हम लोग आगे बढ़ के उनका हेल्प कर सकते हैं। तो जो भी शॉपकीपर्स थे बहुत ही हेल्पफुल थे, देखिए उन्होंने ये ट्रीटमेंट किट्स हमें दिया है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कैसे हम लोगों ने मैगट्स रिमूव किए, ट्रीटमेंट किए और कैसे उसको रेस्क्यू किया, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में है। और जो लोग रौरकेला से हैं हमें ज़रूर कमेंट करिए, और जो लोग हमारे साथ जुड़ के इस नोबल काम में हाथ बटाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करिए और हमारे साथ मिल के इन बेजुबानों को मदद करिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइज।
सो गाइज, उसका बेसिक ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर दिया है और अभी उसको थोड़ा सा दूध पिलाया जा रहा है। फिर उसकी मम्मी हमें लकीली मिल गई है गाइज, वो जस्ट थोड़े दूर में ही थी, उसको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया और अभी उसके बेबी को उसके पास रख रहे हैं और अभी उसको हम लोग गौशाला में लेके उसको हम लोग शेल्टर होम में रखेंगे। तो आज का ये वीडियो अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। और थोड़ा सा बेबी को हम लोग ये मिल्क और थोड़ा सा था हम लोग पिला दे रहे हैं। तो सो गाइज, उसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया है और अभी उसको अभी हम लोग लेके गौशाला में छोड़ के आएंगे। तो ये मेरा भाई है प्रशांत और ये जस्ट उसको अभी गाड़ी में लेके गया और इसको छोड़ा जाएगा अभी गौशाला में। तो आप लोग प्रे करिए कि ये जल्दी से ठीक हो जाए गाइस, और हो सके तो आप भी इन बेजुबानों को मदद करें। तो मिलते हैं कैसे ही इंस्पायरिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।